For more such news and updates, do not forget to subscribe and hit the bell icon. 1983 में आई ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म दामिनी बॉक्स ऑफिस पर खूब चली और यहां तक कि फिल्म रिलीज होने के बाद पूरी दुनिया मीनाक्षी को दामिनी के नाम से जानने लगी। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म में मेन लीड एक्ट्रेस के लिए ये रोल माधुरी दीक्षित को ऑफर किया गया था और साथ ही माधुरी को इस फिल्म में काम ना करने के डिसीजन पर आज भी अफसोस है। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने पहले ये रोल मीनाक्षी शेषाद्री को ऑफर किया था, पर कुछ दिनों में किसी बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई और डायरेक्टर साहब ने इस रोल के लिए दूसरी एक्ट्रेस को अप्रोच करना शुरू कर दिया। राजकुमार संतोषी ने ये रोल कई एक्ट्रेस को ऑफर किया, डिंपल कपाड़िया को भी ये रोल ऑफर हुआ था, पर फिल्म के मेन हीरो ऋषि कपूर नहीं चाहते थे कि डिंपल उनके साथ काम करे। फिर ये रोल श्रीदेवी को ऑफर हुआ, पर श्रीदेवी के हाई फीस होने के कारण ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ा। फिर ये रोल माधुरी दीक्षित को ऑफर हुआ। माधुरी को ये किरदार काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये एक ह्यूमन सेंट्रिक फिल्म होने के कारण माधुरी इस रोल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, पर कुछ ही दिनों में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच सुलह हो गई और ये रोल माधुरी के हाथ से मीनाक्षी को जा मिला। माधुरी को इस बात का बहुत बुरा लगा। माधुरी ने कई साल बाद एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो आज भी दामिनी के किरदार ना कर पाने के लिए अफसोस करती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या माधुरी इस रोल को और बेहतर कर पाती? आप हमें अपनी राय कमेंट करें। बॉलीवुड दुनिया की और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें गपशप। तो